क्या बता रहे थे सर इसमें? टैटू बनवा ले भैया। टैटू पच्चीस सभ्यता है। टैटू तो हर लोग अभी बनवा रहे हैं। पच्चीस सभ्यता है। कोई कुल खानदान में करेगा ये? तो बाह पे टैटू बनाना तो अरे भाई कहीं भी टैटू बनता है, सब जगह बनाता है सब आजकल। कोई बचपन का दोस्त नहीं है, बचपन का दोस्त है फालतू बकवास कर रहा है, बचपन का दोस्त है। बियर पीने वाली या बियर के बोतल लेकर फोटो खिंचाने वाली जो फोटो वायरल हुआ है, बोला विधानसभा में कि सेल्फी लेने हमारे से कोई आ गया, क्यों छुपा कर रखा 8 वर्षों तक, ओपन क्यों नहीं किया? एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया ये लौंडा। एक आदमी, एक लड़की के चलते इसमें क्या खासियत था, क्या खासियत था? इसलिए ये अपनी कुर्बान अपने कमजोरी को ये बिहार पर मार दिया, बिहार के लोगों पर मार दिया, हिंदू समाज पर मार दिया। जागतानंद भड़ुआ है, भड़ुआ है, जागतानंद भड़वागिरी बतियाता है। उसका कौन अधिकार दिया है हमारे हमारे जमात में, हमारे जात में बात करने वाला? वो कौन होता है जागतानंद सिंह? भड़ुआ आदमी, भड़वागिरी करता है। मार के ठंडा कर दिया जाएगा जागतानंद को, पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा। उसका बाप का अच्छा संस्कारी लोग नहीं गया, संस्कारी लोग का यही काम है, सब करप्ट लोग गए थे जो एक दूसरे में शादी किया है, अंतर जाती है वही लोग गए थे। प्रेम गुप्ता था करप्ट है, एक नंबर का भनुआ है करप्ट है, साला वो गया था। जो लोग इधर करप्ट लोग गए थे शादी के मामले के अनुसंधान के लिए इन्वेस्टिगेटर अनूप नारायण सिंह को बनाया गया और आगे की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। महिला के पति से संपर्क करने का प्रयास किया गया किंतु संपर्क नहीं हो सका। बोकारो से विजय साव की रिपोर्ट। यही तो बात है, यही तो रोना है, यही तो दुखद है कि जो अपने परिवार के बारे में सोचा और समाज के परिवार के बारे में नहीं सोचा, जमात के बारे में नहीं सोचा, एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया ये लौंडा। एक आदमी, एक लड़की के चलते इसमें क्या खासियत था, क्या खासियत था? इसलिए ये अपनी कुर्बान अपने कमजोरी को ये बिहार पर मार दिया, बिहार के लोगों पर मार दिया, हिंदू समाज पर मार दिया, यादव समाज पर मार दिया, कलंकित किया है। इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर। बड़ी बच्ची की शादी करते हैं, बड़ी बच्ची के जो शादी किए जादू समाज में किए, यही बगल में खगौल में शादी किए, और उसका जब आप जिक्र कर दिए तो लालू जी का एक बात वाकई हम सुना देता हूँ। इसके मीसा के शादी के लिए हम राजस्थान अलवर गए थे और करण सिंह जादव थे और हुकुमदेव नारायण यादव के जब कपड़ा मंत्री थे तो उनका पीए था डॉक्टर सतपाल यादव, और उससे हमारी बात हुई थी। तो वो अलवर का एक लड़का होनहार विशाल यादव नाम था जिसका काठमांडू में 4-4 फैक्ट्रियाँ थी जूस का, और उस लड़का को हम लोगों ने अखिलेश सिंह जो राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, और वो और हम हैं ली मेरिडियन में बैठ करके बात करके बुला करके लाया और फोटो भी दिया गया, सब कुछ हो गया था। लालू जी ने पूछे कि ये लड़का का पिता कौन है, तो वे करण साहब थे, मिलिट्री का कर्नल थे, और उनकी दो बेटी है, एक लड़का जिसका एक अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से शादी किए थे और हिमाचल के एक डीजीपी से शादी किए थे दो बेटियों का, और एक लड़का था जिसका हम लोगों ने पसंद किया था। तो लालू प्रसाद ने हमको ले करके जहाज में और दिल्ली गए। रघुवंश सिंह थे, आप प्रेम गुप्ता थे, प्रेम गुप्ता ने हरियाणा के अलवर के बॉर्डर का होने के नाते प्रेम गुप्ता ने कह दिया कि लड़का का माँ ब्राह्मणी है। तो लालू जी ने पूछा था कि लड़का के माँ कौन है, हमने कहा कि शादी तो ब्राह्मण से किए हैं कर्ण साहब, तो बोले कि तो ब्राह्मण है लड़का के माँ, हमने कहा कि लड़का के माँ ब्राह्मण है, लड़का का पिता तो जादू है। तो लालू जी ने कहा कि नहीं शादी नहीं होगा। तो जब लड़की के शादी के लिए ब्राह्मण माता के कारण जो है इतना बड़ा परिवार, संपन्न परिवार, राजशाही परिवार को लालू जी ने छोड़ करके एक गरीब परिवार में खगौल में शादी किया मीसा भारती का, तो उस समय जो है लालू जी क्यों ऐसा किए और आज क्यों ऐसा किए, काहे किए, ये तुलना करिए आप लोग।
कि बेटियों के शादी जादों में करेंगे और लड़का की शादी क्रिश्चियन में करेंगे? यही समाज गवाही देता है क्या? यही समाज में अगुवा बन रहे हैं क्या? इसलिए इसको पूरा बहिष्कार करना है। जादू समाज क्या लगता है कि जादू समाज बहिष्कार करेगा? किसी का बधवा मजदूर नहीं है जादू, पूरा बहिष्कार करेगा, खुल का बहिष्कार करेगा। अब खुल करके प्रतिकार किया जाएगा। पहले समझा जाता था लेकिन अब नहीं समझने की जरूरत है। अब पूरा जादू को फ्री छोड़ दिया गया है, छुट्टा छोड़ दिया गया है। तुम विरोध करो, ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। इनका बाप का जमींदारी बिहार नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अब जो होगा आर पार देखा जाएगा। राजयोग की बात आ रही है कि कोई राजयोग नहीं है, खत्म हो गया राजयोग। राजयोग समाप्त हो गया, कल है समाप्त हो गया राजयोग। राजयोग था लेकिन राजयोग समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया, अपने हाथ से अपने समाप्त किया गया है। जानकारी मिली कि बचपन के दोस्त है, कोई बचपन का दोस्त नहीं है, रखेल है, कोई बचपन का दोस्त नहीं है, बचपन का दोस्त है, फालतू बकवास कर रहा है, बचपन का दोस्त है। बियर पीने वाली या बियर के बोतल लेकर फोटो खिंचाने वाली जिसका फोटो वायरल हुआ है, बोला विधानसभा में कि सेल्फी लेने हमारे से कोई आ गया, क्यों छुपा कर रखा 8 वर्षों तक, ओपन क्यों नहीं किया और ढोल बजा के क्यों नहीं शादी किया? मुंह छुपा के भाग रहा है, फैर में शादी हो रहा है, फर्म में बिहार में क्यों नहीं किया? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के जदवंशी भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि इसको बहिष्कार करो, जूता मारो। जगदानंद से तो कहते हैं कि धर्म प्रदर्शन नहीं, जगदानंद भड़वा है, जगदानंद भड़वागिरी बतियाता है, उसका कौन अधिकार दिया है हमारे जमात में, हमारे जात में बात करने वाला? वो कौन होता है जगदानंद सिंह? भड़वा आदमी, भड़वागिरी करता है, मार के ठंडा कर दिया जाएगा जगदानंद को, पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा। उसका बाप का पार्टी है साले को, मेरा खून पसीना लगा है पार्टी में, मुझे दर्द है, हमने पार्टी को सींचा है। जगदानंद का बाप का पार्टी है क्या? अब बोलेंगे जगदानंद तो सब इलाज हम लोग कर देंगे, ताला मार देंगे हम लोग आरजेडी कार्यालय में, दिखा देंगे शक्ति हम क्या है। जगदानंद भास्कर हम लोग चुप है तो इसका मतलब क्या है? जो जो गलत काम करेगा उसको बहिष्कार किया जाएगा। जगदानंद अगर है तो जाए अपना कर ले क्रिश्चियन में शादी, बेटा को क्यों किया राजपूत में शादी? जगदानंद भास्कर करेगा, उसको इलाज करेंगे हम लोग।